ओके, हमारा जो अगला ऑप्शन है ग्रुप और अनग्रुप का है, और इस ग्रुप और अनग्रुप को समझाने के लिए मैंने एक मार्कशीट तैयार किया हुआ है, और इस डाटाबेस के जरिए मैं आप लोग को ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ग्रुप और अनग्रुप का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो देखिए, इस डाटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं, जिसे मैं ठीक से पूरी तरह से व्यू नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि पूरी तरह से नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ कॉलम्स को मैं ग्रुप बना दूं ताकि रिक्वायर्ड डाटा मेरे सामने आ जाए, और जिस कॉलम को मैं नहीं देखना चाहता हूँ उसे मैं टेम्प्रोरी तौर पे हाइड कर दूं। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैथ, इंग्लिश और साइंस वाले कॉलम को मैं ग्रुप बना दूं, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद में आप ग्रुप में जाकर इसका ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के बाद में आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आपके सामने में ये ग्रुप बना हुआ आ गया। इससे फायदा ये होता है कि आप जैसे ही इस माइनस वाले पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, वो आपका टेम्पररी तौर पे हाइड हो जाता है, और फिर से अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो फिर से आप इस पर क्लिक कर देंगे। इससे फायदा ये होता है कि जो रिक्वायर्ड डाटा है, जिसे आप देखना चाहते हैं और जो आप नहीं देखना चाहते हैं उसको आप टेम्पररी तौर पे हाइड करना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप कमांड को यूज़ करके आप उस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं इसको हाइड कर दूँ, तो फिर से मैं इस माइनस वाले पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए, यानी कि जो रिक्वायर्ड डाटा है जिसको मैं देखना चाहता हूँ वो मेरे सामने में आ गया। अच्छा, फिर से मैं इसको यहाँ से प्लस करके इसको अनहाइड करता हूँ। अच्छा, यही काम अगर हम करना चाहते हैं रो पे अप्लाई करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं टेम्पोरी तौर पे हाइड कर दूँ, उसका ग्रुप बना दूँ, तो मैं फिर से यहाँ पे जाएंगे और जितने भी स्टूडेंट को आप हाइड करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद में फिर से आप ग्रुप में जाएंगे और इसका भी आप ग्रुप बना लेंगे। देखिए, ग्रुप बनाने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसका ग्रुप बन गया है, लेकिन अब ये हाइड नहीं हुआ है। हाइड करने के लिए आपको यहाँ पे माइनस वाले पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही माइनस वाले पे क्लिक करेंगे, ये जितने भी देखिए 6 के बाद में यहाँ पे 13 आ रहा है, यानी कि 6 और 13 के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं वो टेम्प्रोरी तौर पे अभी हाइड हुए हुए हैं। अगर आप उनको फिर से दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो दोबारा से आपके सामने में आ जाएगा। अगर आप फिर से उसको हटाना चाहते हैं तो फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे। ओके, अगर आप इन सभी कमांड को जो आपने अभी अप्लाई किया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है, इस कमांड को अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अनग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे क्लियर आउटलाइन का जो ऑप्शन हमारा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जितने भी आपके ग्रुप्स बने हुए थे जिसको भी आपने हाइड किया हुआ था वो सारे आपके हट जाएंगे। तो ये बेहतरीन कमांड है जो आप बेहतरीन कमांड है जो अगर आप किसी भी मैटर को या किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को टेम्प्रोरी तौर पे हाइड करना चाहते हैं, उसमें ये ग्रुप और अनग्रुप आपकी मदद कर सकता है। अगला जो हमारा कमांड है, सब टोटल का कमांड है। सब टोटल के कमांड को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कंपनी के अंदर आम तौर पे यूज होने वाले एक जनरल एक्सपेंसेस हैं, जिसको हम लोग पेटी केस के जरिए मेंशन करते हैं। अच्छा, ये पेटी केस क्या होता है? होता ये है कि पेटी केस एक ऐसा एरिया है जिसमें सभी रेगुलर छोटे मोटे एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड को मैनेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने कुछ आइटम्स के ऊपर कुछ अमाउंट खर्च किए, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ITEM, आइटम, और यहाँ पे उसका अमाउंट। कंपनी ने जो खर्च किए हैं न्यूज़पेपर के ऊपर, किसी दिन इन्होंने 22 रुपए का खर्च किया, उसी तरह से कुछ गेस्ट आए इनके कंपनी में तो उसके लिए चाय वगैरह मंगाया इन्होंने, चाय वगैरह मंगाने में इन्होंने 30 रुपए का खर्च किया। उसी तरह से कुछ कन्वेंस के ऊपर इन्होंने खर्च किया,
मान लीजिए कि कन्वेंस के ऊपर इन्होंने 350 रुपये का खर्च किया। अच्छा, फिर किसी दूसरे दिन इन्होंने न्यूज़पेपर मंगाए, तो दूसरे दिन इन्होंने खर्च किया 22 रुपये। फिर से ये इनके कंपनी में गेस्ट लोग आए हैं, तो गेस्ट लोगों के लिए फिर से ये चाय मंगा रहे हैं, तो चाय के लिए इन्होंने फिर से खर्च किया 35 रुपये। और फिर से कन्वेंस वगैरह में इन्होंने खर्च किया 600 रुपये। तो एक एक्सपेंस है जो इन्होंने किया है अलग अलग डेट पे, जैसे न्यूज़पेपर इन्होंने 2 दिन मंगाए हैं, चाय इन्होंने 2 दिन मंगाए हैं, कन्वेंस पे इन्होंने 2 दिन खर्च किया है। तो एक मैंने एक डाटा तैयार कर दिया ताकि मैं आप लोगों को सब टोटल जो ऑप्शंस है हमारा उसको समझाने की कोशिश करूँ। सबसे पहले हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आइटम पे जाता हूँ, और आइटम पे जाने के बाद में यहाँ पे एक शॉर्ट की आ रही है A to Z। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में ये देखेंगे कि जो भी हमारा जैसे C से जो भी हमारा था वो एक साथ आ गया, N से जो पहला लेटर था वो साथ में आ गया, T से जो पहला लेटर था वो साथ में आ गया। अच्छा, अब हम इसको सब टोटल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मैं आइटम पे खड़े होता हूँ। आइटम पे खड़े होने के बाद में हम लोग सब टोटल पे जाते हैं। सब टोटल पे जाने के बाद में ये आपका एक सब टोटल का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप किसको ऐड करना चाहते हैं, सम किसको करना चाहते हैं। मैंने कहा अमाउंट को। अगर यहाँ पे ये क्लिक ना हो तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप दोबारा से क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद में आप जस्ट ओके को प्रेस करेंगे। ओके को प्रेस करने के बाद में आप ये देखेंगे कि कन्वेंस के ऊपर जितना खर्च हुआ है उसका टोटल इन्होंने बता दिया, यानी कि 350 रुपये और 600 रुपये, टोटल 950 रुपये इन्होंने कन्वेंस के ऊपर खर्च किए हैं। उसी तरह से न्यूज़पेपर जो 2 दिन मंगाए थे इन्होंने, और न्यूज़पेपर का टोटल यहाँ पे यानी कि 22 रुपये, 22 रुपये, 44 रुपये का इन्होंने खर्च किया है। उसी तरह से चाय के ऊपर इन्होंने 30 रुपये, 35 रुपये यानी कि टोटल 65 रुपये का खर्च किया है। यानी कि हर एक आइटम का ये क्या किया, सब टोटल ने उसका टोटल निकाल लिया, और टोटल निकालने के बाद में सबका टोटल इसने निकाल दिया, यानी कि कन्वेंस का टोटल, न्यूज़पेपर का टोटल और टी का टोटल, ये टोटल इसने निकाल दिया 1,059 रुपये। तो अगर आप इसको चाहते हैं कि नहीं मैं इसको हाइड कर दूं, तो यहाँ से जो माइनस आ रहा है आप इस माइनस को क्लिक करेंगे। ये देखिए, जो भी आपके आइटम्स थे वो हाइड हो गए, और जो इसका कन्वेंस का टोटल है वो आपके सामने में आएगा। उसी तरह से यहाँ पे माइनस पे क्लिक करेंगे तो न्यूज़पेपर का भी जो न्यूज़पेपर में जो आइटम्स थे वो आपके हाइड हो गए, और इसका टोटल आपके सामने में आएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपका ये हो गया, हाइड हो गया। और उसी तरह से ये जो आपका माइनस है, अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को ना देखूँ, सिर्फ मैं ग्रांड टोटल देखूँ, तो आप सिर्फ और सिर्फ ग्रांड टोटल को भी व्यू कर सकते हैं। बाकी जो आइटम्स वगैरह थे वो आप वो टेम्पोरेरी तौर पे वो हाइड हो चुके हैं। अगर आप फिर से उन चीज़ को देखना चाहते हैं तो फिर से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जो भी प्लस का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा आप उस पर क्लिक करते जाएंगे, जो भी आपका हाइड हुआ होगा वो आपके सामने में व्यू होने लगेगा। तो एक बेहतरीन कमांड जिसकी मदद लेकर आप अलग अलग आइटम्स के टोटल को व्यू कर सकते हैं, और इसका ग्रांड टोटल भी व्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब टोटल की मदद से आप अपने डाटा को बेसिकली रिव्यू कर सकते हैं कि इंडिविजुअल हेड के ऊपर कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, उनके टोटल निकाल सकते हैं, और ग्रांड टोटल को भी देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है सब टोटल का, मैं इसको हटा दूँ, तो आप फिर से यहाँ पे जाएंगे आइटम्स आइटम पे, और आप जाएंगे सब टोटल पे। और सब टोटल में जाने के बाद में फर्स्ट जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे रिमूव ऑल का, आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में ये देखिए, जो भी आपने अप्लाई किया हुआ था सब टोटल का, वो परमानेंटली वो आपका हट चुका है यहाँ से। अगर फिर से लगाना चाहते हैं तो आप फिर से सब टोटल पे जाएंगे, और फिर से वही जैसे मैंने कि आपको पहले बताया था, आप फिर से ओके करेंगे, वो आपका दोबारा से आ जाएगा। तो एक बेहतरीन कमांड जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को इसके अगले वाले ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।